दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पायल फोटो और नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करके सरकारी जमीन पर चलने वाले निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस न बढ़ाएं। शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक शिक्षा निदेशालय इन स्कूलों के खातों की जांच करके उनके फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी न दे तब तक फीस न बढ़ाए। आदेश न मानने पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में सरकारी जमीन पर चलने वाले 394 स्कूल हैं जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दिल्ली में स्कूल 7वें वेतन आयोग के तहत टीचर्स और स्टाफ को वेतन देने के नाम पर न सिर्फ ट्यूशन फीस बढ़ा रहे हैं बल्कि साथ में दो साल यानी 2016 और 2017 का भी बकाया वसूल रहे थे। यह भी पढ़ें, दिल्ली EWS के नाम पर अभिभावकों से खिलवाड़ कर रही निजी स्कूलें और सरकार। NDTV इंडिया ने बीते हफ्ते खबर दिखाई। दिल्ली अभिभावक संघ के अध्यक्ष अपराजिता गौतम के मुताबिक शिक्षा निदेशालय के इस आदेश का किस तरह और किस स्तर पर पालन होगा अभी ये देखना होगा। जिन स्कूलों ने फीस पहले ही बढ़ाकर वसूल ली है क्या वो वापस करेंगे? अगर नहीं तो शिक्षा निदेशालय उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? हालांकि शिक्षा निदेशालय का आदेश केवल सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों के लिए है जिनकी संख्या 394 है, जबकि दिल्ली में 2000 से ज्यादा निजी स्कूल हैं और ज्यादातर में अभिभावक मनमानी फीस वसूली की शिकायत कर रहे हैं। वीडियो केजरीवाल को ठेंगा दिखाते स्कूल, बाकी स्कूलों पर सरकार किस तरह नकेल कसेगी ये देखना होगा, क्योंकि जानकार ये भी बताते हैं कि कानून के तहत दिल्ली सरकार केवल सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को ही फीस संबंधित आदेश दे सकती है, बाकी स्कूलों को नहीं। दिल्ली सरकार ने कानून में संशोधन करके दो साल पहले केंद्र को भेजा था जो आज तक पास नहीं हुआ। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।